बच्चों के प्यारे होते हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्मों ने बच्चों और गणेश देवता के संबंधों को और मजबूत किया है। बेल फ्रांस ने 65 किलोग्राम की चॉकलेट वाली गणेश प्रतिमा बनाई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि गणेश चतुर्थी समाप्त होने के बाद इस प्रतिमा को जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। 3.5 फुट के चॉकलेट गणेश तैयार करने में 10 दिन लगे। 4 विशेष शेफ्स ने रोजाना 7-8 घंटे की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इस गणेश चॉकलेट प्रतिमा को दूध में विसर्जित किया जाएगा और इसे प्रसाद के रूप में गरीब बच्चों के बीच बांटा जाएगा। गणेश जी पिछले 2 साल तो असि चॉकलेट गणेशा जी बना रहे हैं, तो असि हर साल वेट करते हैं कि जो भी अपना गणेश जी का त्यौहार आता है गणेश चतुर्थी, सानू बड़ी खुशी होती है। तो असि चॉकलेट गणेशा फिर एक ईको फ्रेंडली संदेश देने वास्ते तो बाद असी इनू एज आ प्रसाद के रूप दुध विसर्जन करके बाहर बच्चों के असी इनू एज आ प्रसाद के रूप में वरतौन करते हैं। तो साढ़े 15-20 शेफ पिछले 10-12 दिन तो काम करके गणेश जी का तैयार किया, तो जिन्होंने फिर असी एक प्रसाद के रूप में विसर्जन करके असी वरतौन करांगे। जिहड़ा चॉकलेट गणेशा का मैसेज अज लुधियाने वाले दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी ईको फ्रेंडली एफर्ट बाय लुधियानवीज एंड हैंड्स ऑफ दैम बिकॉज दे पीपल आर प्रोवाइडिंग द मैसेज ईको फ्रेंडली। जिहड़ा कैमिकल प्रोड्यूस हुंदा सी मूर्ति विसर्जित जदों गणेश जी दे आपां करदे सीगे कैनाल्स दे विच जां किते वी, तां उहदे नाल कैमिकल्स प्रोड्यूस हुंदा सी, दैट वॉज नॉट वेरी बेनीफिशियल फॉर अर्थ एंड एनवायरमेंट टू। सो लुधियाने वाले भी बहुत जागरूक हो रहे।